हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने आपको लिफ्ट यानी एलिवेटर सिस्टम के बारे में बताया था और एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था, और उस नए कॉन्सेप्ट का नाम है सुडो फोर्स। हमने सुडो फोर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को बताए थे। उम्मीद करते हैं कि सुडो फोर्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हमारे पास में ना बच्चों बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है। इसके पास में मुश्किल से एक या दो दिन की क्लास कॉन्सेप्ट की है और फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, आइए सबसे पहले उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग फिनिश कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे बचे हुए हैं और कैसे कॉन्सेप्ट हैं सुडो फोर्स में जो हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से ज़रा बात को ना समझिएगा आप लोग। हम बात कर रहे हैं नोट पॉइंट नंबर टू की। नोट पॉइंट नंबर टू क्या है? देखिए ये दिया है हमें ग्राउंड लेवल। ध्यान से, ये हमें ग्राउंड लेवल दिया है। ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है बच्चों। बॉडी का जो मास है वो है m1। इस बॉडी के ऊपर जस्ट हमने दूसरी बॉडी को रखा है, यानी यहाँ पर इस बॉडी का जो मास है वो है m2, और इस बॉडी के ऊपर जस्ट हमने यहाँ पर एक तीसरी बॉडी को रखा है, इस बॉडी का जो मास है वो है m3। समझ आ रही है स्टूडेंट बात? ये हमारे पास में तीन कंडीशंस हैं बच्चों। एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2, और तीसरी बॉडी का मास है m3। हमें ये बताना है कि इन तीनों बॉडीज़ की वजह से, यानी यहाँ पर इन तीनों बॉडीज़ की वजह से, यानी यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा, यहाँ पर कितना फोर्स काम करेगा और यहाँ पर कितना फोर्स काम करेगा। देखो है तो बहुत ही आसान बात, लेकिन आगे चलकर ये बात हमारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इसीलिए आप समझ के चलें। जैसे हम लोगों को ये बताना है कि यहाँ नीचे वाले सरफेस पर कितना फोर्स काम करने वाला है, तो आप ये देखिए कि यहाँ हमें फोर्स बताना है, यहाँ पर यहाँ बताना है ना हमें फोर्स, तो ये बताइए कि इसके ऊपर कितनी बॉडीज़ हमारे पास में रखी हुई हैं। भाई यहाँ के ऊपर यहाँ फोर्स हम लोगों को बताना है, तो इसके ऊपर हमारे पास में तीन बॉडीज़ हैं। एक का नाम क्या है m1, एक का नाम क्या है m2, और एक का नाम क्या है m3। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स हमारे पास में काम करेगा बच्चों, ध्यान से, एक फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ, एक फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ। इसे हम लोग नाम देंगे नॉर्मल रिएक्शन 1। और जो नीचे की तरफ काम करेगा, ये बताइए कि इस पॉइंट के ऊपर कितनी बॉडी है, तीन, m1 m2 m3। तो यहाँ जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू होगी m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। समझ आ रही बच्चों बात? नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा इतना और ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा n1। अब जैसे कि आप ये देखिए, मान लीजिए हमें यहाँ बताना है कि यहाँ कितना फोर्स काम करेगा। देखो ध्यान से, यहाँ बताना है, तो ये बताइए इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कितनी बॉडी रखी है? इस पॉइंट से ऊपर की तरफ रखी हैं दो बॉडी, m2 और m3। तो नीचे की तरफ काम करेगा m2 प्लस m3 इंटू ग्रेविटी। समझ आ रही बात? और ऊपर की तरफ काम करेगा हमारे पास में नॉर्मल रिएक्शन n2। अगर हमें यहाँ बताना है तो हम कहेंगे भाई देखो जरा ध्यान से, ऊपर की तरफ काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन n3, बॉडी का मास कितना है m3, तो नीचे की तरफ काम करेगा m3 इंटू जी। ये कंडीशंस हमारे पास में काम करेगी, कहाँ कितना फोर्स काम करने वाला है ये ज़रूरी है। अब देखो, अगर इसी एग्जाम्पल को आपको और अच्छे तरीके से समझना है, इसी कंडीशन को आपको और बेहतर तरीके से समझना है, तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ बच्चों। ये एग्जाम्पल आपकी NCERT बुक का है, ठीक है? क्या है एग्जाम्पल, ज़रा समझिएगा। एग्जाम्पल क्या है ज़रा समझिएगा। एग्जाम्पल ये है कि ये कहा 10 कॉइन रखे हैं बच्चों, 10 कॉइन है। एक कॉइन ये है, दूसरा कॉइन ये है, थर्ड कॉइन ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेन,
ये 10 कॉइन हमारे पास में रखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 कॉइन हमारे पास में रखे हुए हैं कुछ ऐसे। समझ आ रही बात? हमें ये कहा कि सातवें कॉइन के टॉप पर, सेवेंथ कॉइन के टॉप पर, सेवेंथ कॉइन का टॉप कहाँ बैठेगा बच्चों? सेवेंथ कॉइन ये है, सेवेंथ कॉइन का टॉप यहाँ बैठेगा, बैठेगा ना यहाँ, सेवेंथ कॉइन के टॉप पर बताइए कितना फोर्स काम कर रहा है। तो हमने काम किया, हमने सेवेंथ कॉइन के टॉप पर एक लाइन बना दी ऐसे, हमें सेवेंथ कॉइन के टॉप के ऊपर फोर्स बताना है ना, तो हमने सेवेंथ कॉइन के ऊपर एक लाइन बना दी बच्चों, ऐसे बना दी हम लोगों ने लाइन। अब आप देखिए, सेवेंथ कॉइन के ऊपर तीन कॉइन रखे हैं, ये और ये, तीनों का मास सेम, इसका मास भी m, इसका मास भी m, इसका मास, सबका मास m है बच्चों। तो सेवेंथ कॉइन के ऊपर रखे हैं तीन कॉइन, 1, 2, 3, तो नीचे की तरफ जो फोर्स काम करेगा ये कहलाएगा 3mg, और ऊपर की तरफ जो काम करेगा ये कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेवेंथ कॉइन के टॉप के ऊपर, सातवें कॉइन के टॉप पर जो फोर्स काम कर रहा है ये हमारा 3mg के इक्वल है बच्चों। और सेवेंथ कॉइन एट्थ कॉइन के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? भाई सेवेंथ कॉइन के टॉप पर तो काम कर रहा है 3mg, समझ रहे हो बच्चों? सेवेंथ कॉइन के टॉप के ऊपर तो काम कर रहा है 3mg, सेवेंथ कॉइन एट्थ कॉइन के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? सेवेंथ कॉइन एट्थ कॉइन के ऊपर भी 3mg ही लगाएगा, ध्यान रखेगा। जितना फोर्स सेवेंथ कॉइन पर काम करेगा बिल्कुल उतना ही फोर्स सेवेंथ कॉइन किसी दूसरे कॉइन के ऊपर अप्लाई करेगा, ये बहुत ज़रूरी बात है समझने वाली। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमसे ये पूछा कि यहाँ बताओ कितना फोर्स काम कर रहा है, यहाँ, ठीक है? तो हमने यहाँ सबसे पहले एक लाइन बनाई लाइन, हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ चौथे कॉइन के टॉप के ऊपर ये बताओ कि फोर्थ कॉइन के ऊपर कितने कॉइन हैं, यहाँ चौथे कॉइन के ऊपर कितने कॉइन है, 3 and 3, 6, 6 कॉइन है, तो नीचे की तरफ काम करेगा 6mg, यानी फोर्थ कॉइन के टॉप के ऊपर 6mg का फोर्स काम करेगा, और ऊपर की तरफ कितना काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन N2, यानी चौथे कॉइन के टॉप के ऊपर काम कर रहा है 6mg, जो भी मास हमें दिया होगा 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम वो हम यहाँ पुट कर देंगे, ग्रेविटी की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, 10 है, वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा, वैसे ज़्यादातर m के टर्म में ही आंसर आता है। तो चौथे कॉइन के टॉप पर हमारा 6mg का फोर्स काम कर रहा होगा, और चौथा कॉइन पांचवे कॉइन के ऊपर भी इतना ही फोर्स लगा रहा होगा। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ है, भले ही हम लोगों ने अभी थ्योरेटिकली वो ना पढ़ा हो लेकिन हमने उसका यूज़ कई बार कर लिया है कि जितना फोर्स चौथे कॉइन पर लगेगा बिल्कुल उतना ही फोर्स चौथा कॉइन पांचवे कॉइन के ऊपर लगाएगा। तो चौथे कॉइन के टॉप के ऊपर 6mg काम करेगा, तो चौथा कॉइन पांचवे कॉइन के ऊपर भी 6mg ही अप्लाई करेगा बच्चों। समझ में आ रही बात? ओके, एक लास्ट कंडीशन मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखो ये है हमारे पास में थर्ड कॉइन और ये है हमारे पास में सेकेंड कॉइन। हमने थर्ड कॉइन और सेकेंड कॉइन के बीच में एक लाइन बना दी लाइन। हमें ये बताना है कि ये जो थर्ड वाला कॉइन है ये सेकंड वाले कॉइन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये जो थर्ड वाला कॉइन है ये सेकंड वाले कॉइन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, और ये जो सेकंड वाला कॉइन है ये थर्ड कॉइन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। ये तो एक्शन रिएक्शन का लॉ है बच्चों, ये तो एक्शन रिएक्शन का लॉ है। थर्ड कॉइन सेकेंड कॉइन पर जितना लगाएगा बिल्कुल उतना ही फोर्स सेकेंड कॉइन थर्ड कॉइन के ऊपर लगाएगा। आप ये देखिए कि सेकेंड कॉइन के ऊपर कितने कॉइन रखे हैं, सेकेंड कॉइन के ऊपर कुल मिलाकर कितने कॉइन रखे हैं भाई, सेकेंड कॉइन के ऊपर कुल मिलाकर कितने कॉइन रखे हैं, 8 कॉइन रखे हैं। तो नीचे की तरफ जो फोर्स काम करेगा ये कहलाएगा 8mg, और ऊपर की तरफ जो काम करेगा ये कहलाएगा N3, यानी सेकंड कॉइन के टॉप पर 8mg काम करेगा और सेकंड कॉइन थर्ड कॉइन पर भी 8mg ही अप्लाई करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, समझने वाली, ध्यान रखिएगा। ओके, जल्दी नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे और देखते हैं कि आगे की कंडीशन
क्या होगी हमारे पास।